नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कौमारवृत्य, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। स्टूडेंट्स, टुडे 19 सितंबर 2023, टुडेज आर टॉपिक फॉर लेक्चर इज नियोनेटल जॉन्डिस। सो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि नियोनेटल जॉन्डिस होता क्या है। जैसे कि पता है कि नियोनेटल का मतलब होता है कि जो बच्चे जस्ट उत्पन्न हुए बच्चों को नियोनेटल कहते हैं, क्योंकि नियोनेटल जो फेज़ है वो पूरी 1 मंथ की होती है। तो अगर 1 मंथ के दौरान किसी को जॉन्डिस होता है तो उसे नियोनेटल जॉन्डिस कहा जाता है। जॉन्डिस जो है वो एडल्ट्स में भी पाया जाता है, एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन चूँकि हमारा सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स है, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स कौमारवृत्य, तो वहाँ पे हम नियोनेटल जॉइंडिस की बात करेंगे। सो नियोनेटल जॉइंडिस इज कॉल्ड न्यूबॉर्न जॉइंडिस, इट्स आल्सो कॉल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। सो नियोनेटल जॉइंडिस इज अ कंडीशन मार्क्ड बाय हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। अगर डेफिनेशन की बात करें तो नियोनेटल जॉइंडिस जो होता है उसके अंदर इंक्रीज़ हो जाता है शरीर में बिलिरुबिन का लेवल, जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं हम इंक्रीज़ लेवल ऑफ बिलिरुबिन या फिर हाइपर बिलिरुबिनीमिया। अगर बिलिरुबिन की मात्रा जब बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाती है तो जो इन्फेंट है, जो नवजात है, उसकी स्किन और उसकी आँखों का जो स्क्लेरा वाला पार्ट होता है उसका कलर जो है वो हमें येलोइश नज़र आता है। सो जैसे कि आपको डेफिनेशन से पता चलेगा, द इंक्रीज बिलिरुबिन कॉस्ट द इन्फेंट स्किन एंड वाइट ऑफ द आईज टू लुक येलो, दैट्स कॉल्ड बिलिरुबिन, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। एंड नाउ नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं, कि जो मैं बता रही हूँ इतनी देर से बिलिरुबिनीमिया मीन्स ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा का बढ़ जाना। तो हम इसे कैसे निर्धारित करेंगे कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ गई है? तो इसको ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर न्यूबॉर्न की स्किन में बिलिरुबिन अगर 5 mg/dL से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे कि बिलिरुबिन की मात्रा 5 mg/dL से ज़्यादा होना, तो वो स्किन में, आँखों में उसका कलर हमें येलोइश नज़र आएगा। अगर बिलिरुबिन एडल्ट स्किन में 2 mg/dL से ज़्यादा हो तो उसे भी हम बिलिरुबिन ईमिया मानेंगे, बिकॉज ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा 2 mg/dL यानी कि जो नॉर्मल मात्रा होती है उससे अधिक है, तो उसे हम बोलते हैं एडल्ट स्क्लेरा में हाइपर बिलिरुबिनीमिया। और न्यूबॉर्न की स्किन में 5 से ज़्यादा होने पर उसे हम बिलिरुबिनीमिया मानते हैं, मतलब कि न्यूबॉर्न जो है वो जॉइंडिस से ग्रसित है। इसके बाद में अगर देखा जाए, एक प्रेवलेंस देखा जाए, तो 60% तो टर्म बेबी वो होते हैं जो कि पूरे 9 महीने के पश्चात जन्म लेते हैं, मतलब कि उनका जो जन्म काल है वो 9 महीने के बाद का होता है, उसे बोलते हैं टर्म बेबी, मतलब कि जो 37 वीक पूरे गर्भाशय में करने के बाद उत्पन्न होते हैं। और दूसरे होते हैं प्री टर्म बेबी, जो कि 9 महीने से पहले यानी कि 7 महीने या 5 महीने के बाद ही दुनिया में आ जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है, तो उन्हें बोलते हैं प्री टर्म बेबी। तो 60% बच्चे जो टर्म बेबी होते हैं उनमें जॉन्डिस होने की संभावना रहती है, और 80% बच्चों में ये ज़्यादा संभावना होती है जो प्री टर्म बेबी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जॉन्डिस की सिग्निफिकेंस देखें तो 6% टर्म बेबी में, जैसा कि 60% है उसका हम अगर एक प्रेवलेंस निकालें तो 6% बेबीज में हमें बिलिरुबिन होने के चांसेस मिलते हैं। सो विजिबिलिटी आप ज़रूर ध्यान रखें, एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी जाती है कि बिलिरुबिन की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है और अगर वो कितनी बढ़ जाए जिसे हम जॉन्डिस या बिलिरुबिनीमिया मानेंगे। इसके पश्चात जो ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये दिखाया गया है कि बिलिरुबिन की नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है, वो बॉडी में किस तरह बनता है, और अगर इसकी मात्रा में थोड़ी सी भी चेंजेस हो जाए तो किस प्रकार ये जॉन्डिस कॉज करता है। तो देखा जाए तो जब ब्लड के अंदर हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ें हमारे शरीर में हम लेते हैं जो बिलिरुबिन की लेवल बढ़ा सकता है, अगर ब्लड में बिलिरुबिन है तो उसे हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मानते हैं। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब एल्ब्यूमिन से कनेक्ट होता है तब क्या होगा, ये एल्ब्यूमिन से कनेक्ट होने के बाद में ये जाता है लीवर की हेपेटोसाइट्स में।
सबसे पहले ये ब्लड में ही रहता है, ब्लड में रहता है तब वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है। अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म जब एल्ब्यूमिन से जुड़ती है, एल्ब्यूमिन से जुड़ने के बाद में लिवर सेल में जाएगा, लिवर सेल में जाने के बाद हेपेटोसाइट्स जो लिवर सेल्स होती है उसमें अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में ये जाता है और फिर वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ठीक है। वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ में ये जुड़कर, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब लीवर से निकलेगा तो उसके पश्चात कॉन्जुगेटेड फॉर्म जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। अब वाटर सॉल्युबल फॉर्म क्या करेगी, वाटर सॉल्युबल फॉर्म उसे किडनी के थ्रू यूरिन के माध्यम से बाहर निकालेगी या फिर स्टूल के थ्रू, ये हमारे एनल रूट से बिलिरुबिन की एक्सेस मात्रा को शरीर से बाहर निकालती है। तो इसी तरह जब हेपेटोसाइट्स में चली जाएगी तो उसके बाद बिलियरी सिस्टम में भी जाती है और बिलियरी सिस्टम के थ्रू ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरियल जो प्रोटीज होता है वहाँ पर ये प्रोसेस करके यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, जो कि 90% तो फेसिस के थ्रू यानी मल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और वापस 10% जो है पोर्टल वेन के थ्रू वापस लीवर में आकर बिलिनोजन के फॉर्म में जमा हो जाता है और ये बिलिनोजन वापस ब्लड में जाकर किडनी के थ्रू फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है। अब चूंकि मैं बता रही हूँ कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म है जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल है तो ये इजीली किडनी और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर प्रोसेस होगा और फिर फेसिस के थ्रू बाहर निकलेगी, किडनी में जाएगी तो वाटर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है हमें बिलिरुबिन कैसे बॉडी में बढ़ता है। तो आप ये ध्यान रखें कि मोर बिलिरुबिन प्रोडक्शन का एक कारण है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का लाइसिस हो रहा, आरबीसी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में टूटने लगेगी, शरीर में अधिक मात्रा में जब आरबीसी टूटती है तो भी बिलिरुबिन बनता है, क्योंकि आरबीसी टूटने से हीम अलग हो जाता है और ग्लोबुलिन पार्ट अलग हो जाता है, हीम से आयरन अलग हो जाएगा और यहाँ पे ग्लोबुलिन हो जाएगा, तो आयरन के साथ जो बिलिरुबिन अलग से निकलेगा वो शरीर में एक्सेस में बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म बिलिरुबिन की बढ़ेगी और अगर लीवर प्रॉपर काम कर रहा है तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म बढ़ेगी, आगे जाके अगर वो किसी अवरोध की वजह से शरीर से बाहर ना निकल पाए तो भी शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा एक्सेस में बढ़ती है। इसके बाद में द लो कैपेसिटी ऑफ एल्ब्यूमिन ऑन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ कहने का मतलब है कि जब शरीर में एल्ब्यूमिन जो है वो नहीं जुड़ पा रहा है अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म से तो वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म ही शरीर में रहेगा, मतलब वो लीवर में नहीं जाएगा तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म नहीं बनेगी और कॉन्जुगेटेड फॉर्म ना बनने से वो शरीर से बाहर नहीं निकलता, तो ये एसिड इंटॉक्सिसिटी करता है और ये एल्ब्यूमिन बच्चों में ज़्यादा बनता है क्योंकि बच्चे प्रीटर्म होते हैं, प्रीटर्म में 80% जो चांसेस बता रखे हैं वो इसी की वजह से होते हैं। फिर हाई वर्कलोड ऑफ हेपेटोएंटेरिक सर्कुलेशन, अगर जब लीवर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हेपेटिक लोड बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर बैक्टीरिया लेस होते हैं, अब बैक्टीरिया नहीं होंगे तो जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है वो ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फेसिस से बाहर निकलेगा और वो नहीं निकलेगा तो वापस कॉन्जुगेटेड फॉर्म किडनी में नहीं आ पाएगी, तो इसका एक कारण हो सकता है लेस बैक्टीरिया, लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी और हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन म्यूकोरियम। ये एक लीवर का डायग्राम है जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये अगर इंक्रीज़ हो जाती है आरबीसी अत्यधिक मात्रा में तो होगा, आरबीसी का लाइफ स्टाइल अगर लाइफ स्पान छोटा है तो भी बिलिरुबिन बढ़ेगा और इमेच्योर हेपेटिक इंटेक मतलब कि अगर अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म को लीवर नहीं ले पा रहा है तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं करेगा और उसका लेवल भी शरीर में बढ़ेगा, और इंक्रीज इंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, ठीक है, तो भी क्या होगा कि कहीं ना कहीं अवरोध आने की वजह से कॉन्जुगेटेड फॉर्म शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, स्कीमा फॉर द ग्रेडिंग एक्सटेंट ऑफ जॉन्डिस, मतलब यहाँ पे ये बता रखा है कि कैसे कैसे जॉन्डिस अत्यधिक मात्रा में बढ़ता है, तो यहाँ एक नंबर दे रखा है, अगर किसी को ग्रेडिंग दी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे अगर 0 है तो नन, मतलब कि कहीं पे भी जॉन्डिस नहीं होगा, एक नंबर है अगर जॉन्डिस का मतलब फेस और नेक को ही बिलिरुबिन की वजह से येलोइशनेस मिली है, दो नंबर पे चेस्ट और बैक, तीन नंबर आपके लोअर एब्डोमेन यानी बिलो एब्डोमेन एम्ब्लाइकस एंड नी, फोर पे आर्म और लेग्स बिलो नी एंड फिफ्थ पे हैंड्स और फीट्स आ जाएंगे जो बिलिरुबिन के एक्सेस प्रोडक्शन को बताएंगे। यहाँ पे ये फिर से वही बिलिरुबिन का लेवल और एरिया ऑफ बॉडी, फेस पे 4 से 8 होगा, अपर ट्रंक में 5 से 8 होगा और इसके बाद में लोअर ट्रंक में 8 से 6 बिलिरुबिन का लेवल,
आर्म्स और लोअर लेग में 8 से 11, और अगर पाम और सोल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, अगर वो ज़्यादा येलोइश है, इसका मतलब बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे करके आपको ये बिलिरुबिन की मात्रा को बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अब फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और पैथोलॉजिकल करके दो प्रकार के जॉइंटिस शरीर में पाए जाते हैं। जैसे बता रखा, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो है वो अपेयर होता है आफ्टर 24 आवर्स, मतलब जन्म के 24 घंटे के बाद जो जॉइंटिस मिलेगा वो फिजियोलॉजिकल होगा। इसका कारण है मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय 4 to 5 डे, मतलब कि 4 से 5 दिन, टर्म बेबी अगर कोई हुआ है तो टर्म बेबी में 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जो जॉइंटिस मिलता है उसे हम फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कहते हैं। ठीक है, फिर और 7वें दिन तक ये प्रीटर्म बेबी में ही 7 दिन के बाद मिलेगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल है मतलब कि कोई ना कोई फिजियोलॉजी अगर बच्चे में बनी है ऐसी, या तो उसका लीवर कमज़ोर है या उसकी आरबीसी ज़्यादा मात्रा में डिस्टर्ब हो रही है, तो वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। इसके पश्चात सीरम लेवल जो है वो लेस देन 15 है तो उसे भी हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मानेंगे। क्लिनिकल नॉट डिटेक्टेबल आफ्टर 14 डेज, क्लिनिकली हम इसको नहीं डिटेक्ट कर सकते 14 दिन बाद, क्योंकि 14 दिन बाद ही अपने आप डिसअपेयर हो जाता है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमें नहीं होती। देन इसके बाद में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब अगर कोई नियोनेट्स का जन्म हुआ है तो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर जॉन्डिस हो रहा है तो उसे हम कोई ना कोई पैथोलॉजी उसका कारण मानेंगे। अब पैथोलॉजी अगर बड़ी है तो बिलिरुबिन जो है वो 5 mg/dL से ज़्यादा होगा, सीरम बिलिरुबिन 15 से ज़्यादा होगा, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जॉन्डिस परसिस्टेंट आफ्टर 14 डेज, अगर फिजियोलॉजिकल है तो 7 दिन के अंदर अंदर चिकित्सा ना भी करें तो वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर ये जॉन्डिस जो कि ज़्यादा है, अभी जॉन्डिस अभी 14 दिन के बाद भी रुका है शरीर में, तो उसे हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहेंगे। इसके अंदर पैथोलॉजी है मतलब कहीं ना कहीं आपके इसमें गॉल ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट है, इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर क्या होगा, बिलिरुबिन शरीर से बाहर ही नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद में वो मतलब कि उसके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्टेड है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो स्टूल का कलर कैसा होगा, स्टूल जो होगा क्ले और वाइट कलर का हमें मिलेगा, लेकिन यूरिन जो है वो कैसा होगा, यूरिन जरूर येलोइश कलर का मिल सकता है हमें। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है यहाँ पे 2 mg/dL के हिसाब से हम देखेंगे। ये सब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में ही मिलता है। इसके बाद में कॉजेज ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस के क्या कॉज हो सकते हैं, इसके अंदर बताया गया है। जॉन्डिस के कॉजेज में हीमोलाइटिकल डिजीज़, मतलब अगर 24 आवर्स भी अगर के अंदर अंदर अगर जॉन्डिस है तो उसका कारण, जो कि ये कारण है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के, तो इसका एक कारण है हीमोलाइटिकल डिजीज़। ठीक है, हीमोलाइटिकल डिजीज़ ये हो सकता है कि किसी को आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो, एबीओ ब्लड ग्रुप की वजह से हो तो इसे मान सकते हैं। किसी प्रकार का इन्फेक्शन लाइक टॉर्च, मदर को अगर प्रेगनेंसी के दौरान टॉर्च इन्फेक्शन है, मलेरिया है, बैक्टीरिया है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिफिशेंसी है, और अगर ये 24 से 72 घंटे के बीच में है तो इसे हम क्या मानेंगे, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और इसका भी कारण फिजियोलॉजिकल शरीर की कोई भी संरचना की वजह से हो सकता है, किसी प्रकार का सेप्सिस हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया हो सकती है पेशेंट मतलब बच्चे को। पॉलीसाइथीमिया मैं आपको बता चुकी हूँ, जो WBC है वो अत्यधिक मात्रा में बने और जल्दी जल्दी डिस्ट्रक्ट हो। ठीक है, कंसील हेमरेज अगर ज़्यादा हो रहा है या फिर कहीं रुक गया है तो वहाँ पे भी क्या होगा कि जो RBC है वो वहाँ जमेगी और आके तुरंत टूटेगी तो बिलिरुबिन एक्सेस में बनेगा। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज और इंक्रीज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। कॉजेज ऑफ जॉन्डिस, अगर 72 घंटे बाद है, आफ्टर 72 आवर्स ऑफ एज, तो यहाँ पे कोई सेप्सिस हो सकता है शरीर में, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, सिफेलो हेमाटोमा, न्यूनेटल हेपेटाइटिस, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेशिया, इसके अंदर आपके जो गॉल ब्लैडर है वो काम करेगा, गॉल ब्लैडर की वजह से ये जॉन्डिस मिल सकता है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उसकी वजह से भी जॉन्डिस होता है। कॉमन कॉजेज ऑफ इंडिया में कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं, इसके कॉमन कॉज में फिजियोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ग्लूकोज 6 डिफिशियंसी हो सकती है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिफिशियंसी, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, ABO RH इनकम्पैटिबिलिटी बच्चों में मिलती है, बर्सुइंग और सेफेलोहेमाटोमा, इंट्रायूटेराइन और पोस्ट नेटल इन्फेक्शन जिसके अंदर टॉर्च, मलेरिया या डेंगू इन्फेक्शन जो कि माँ को हो सकता है, और ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। अप्रोच क्या करनी है, बेबी के अगर बेबी में जॉन्डिस मिलता है तो उसको पहले बेबी का वेट हम देखेंगे,
गेस्टेशनल और पोस्टनेटल एज देखेंगे, तभी हम असेस कर सकते हैं कि इसके जॉन्डिस का क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और ये देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, और एविडेंस देखेंगे कहीं कार्निक टेरेस तो नहीं है, मतलब कि जॉन्डिस इतना ज़्यादा बढ़ गया हो कि वो ब्रेन तक पहुँचा है, लिथार्जिनस एंड पुअर फीडिंग, पुअर और एब्सेस, न्यूरो रिफ्लेक्स, ऑफेस्टोटोनस कंडीशन और कन्वल्जंस, ये सब हमें देखने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अगर बच्चे में देखा जाए तो हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर्म में हम जॉन्डिस अगर बच्चे में हमें ठीक करना है तो हम उन्हें फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी एक मशीन होती है जिसके अंदर हम बच्चे का जो नेटिव बिलिरुबिन है जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में है उसको हम फोटोथेरेपी लाइट के अंदर बच्चे को 450 से 460 नैनोमीटर की लाइट के अंदर रखते हैं और बच्चे का जो बिलिरुबिन है वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है। तो इस प्रकार फोटोथेरेपी मशीन होती है ये, इसमें बच्चों के आइस कवर रखते हैं, बच्चों को डायपर पहना के उसे फोटोथेरेपी मशीन की लाइट के अंदर रखते हैं, तो इससे उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस नाउ। होप आपको ये जॉन्डिस का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच।